नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 28 जुलाई। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाने को लेकर परिवहन विभाग सख्त। बिहार बोर्ड 2023 मैट्रिक परीक्षा के लिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड हुआ जारी। सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर वाली टी शर्ट पर विवाद। बिहार बोर्ड ने इंटर में एडमिशन की बढ़ाई तिथि। विश्वविद्यालयों के सभी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों के लिए अहम सूचना। अब चलिए बढ़ते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे अशोक शेखर गांगुली की। डॉक्टर अशोक शेखर गांगुली सीबी विख्यात उद्योग विशेषज्ञ और हिंदुस्तान लीवर के पूर्व अध्यक्ष, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य थे। उनका कार्यकाल 17 नवंबर 2015 को समाप्त हुआ। उनका जन्म 28 जुलाई 1935 को पटना में शेखर नाथ और बीना पानी गांगुली के घर हुआ था। उन्होंने मास्टर ट्यूटोरियल हाई स्कूल मुंबई में शिक्षा प्राप्त की और बीएससी जय हिंद कॉलेज मुंबई से किया था। उन्होंने अपना एमएस 1959 में और पीएचडी 1961 में यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनोइस डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कंज्यूमर एंड एनवायरमेंटल साइंसेज से की थी। डॉक्टर गांगुली का अधिकांश कामकाजी जीवन यूनिलीवर पीएलसी के साथ रहा है, जहां उन्होंने 35 साल से अधिक समय बिताया है। मध्याह्न भोजन योजना में लगे अधिकारियों और कर्मियों के मानदेय में हुई वृद्धि। शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी करने के बाद बिहार के सरकारी स्कूलों के मध्याह्न भोजन योजना में लगे सभी अधिकारियों और कर्मियों के मानदेय में वृद्धि कर दी गई है। मानदेय वृद्धि 1 जून 2022 के प्रभाव से है। शिक्षा विभाग ने पत्र जारी करते हुए कहा कि 1 जून 2022 से संविदा पर कार्यरत बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों के मूल मानदेय में 6.33% वृद्धि की स्वीकृति दी गई है। साथ ही सबसे अहम सूचना यह है कि यह बढ़ोतरी वैसे नियोजित पदाधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी सेवा 1 जून 2022 को कम से कम एक वर्ष पूरी हो चुकी हो। मध्याह्न भोजन योजना समिति के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत सभी कर्मियों पदाधिकारियों को इसका लाभ मिलेगा। एम्स रायबरेली ने विभिन्न पदों पर निकाली रिक्तियां। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायबरेली ने सीनियर रेसिडेंट के विभिन्न डिसिप्लिन में कुल मिलाकर 41 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को संबंधित डिसिप्लिन में पीजी डिग्री पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों से जुड़ी हुई समस्त जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो किसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 अगस्त 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.aimsrbl.edu.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। औद्योगिक निवेश योग्य 3000 एकड़ जमीन के आवंटन प्रक्रिया अगले माह से होगी शुरू। बिहार उद्योग मंत्री आए दिन इन्वेस्टर्स मीट में शामिल हो रहे हैं और उद्योगपतियों को बिहार में निवेश करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इस बीच उद्योग विभाग ने करीब 3000 एकड़ का लैंड बैंक तैयार किया है। इसमें सबसे अधिक जमीन 24 एकड़ चीनी मिलों से ली गई है। इसमें 1800 एकड़ से अधिक भूमि पर निवेश के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा चुका है। ऐसे में बिहार में निवेश के द्वार खुल सकते हैं। वहीं बिहार में औद्योगिक निवेश योग्य 3000 एकड़ जमीन के नए दर से आवंटन की प्रक्रिया अगले महीने अगस्त से शुरू हो जाएगा। बिहार बोर्ड 2023 मैट्रिक परीक्षा के लिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड हुआ जारी। बिहार बोर्ड के वैसे विद्यार्थी जो कि 2023 मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अहम सूचना है। विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अगले साल 2023 के मैट्रिक की परीक्षा में शामिल होने जा रहे सभी छात्रों का डमी पंजीकरण कार्ड या पंजीकरण संख्या बोर्ड द्वारा 27 जुलाई 2022 को डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर दिया गया है। यह रजिस्ट्रेशन कार्ड बीएससीबी के आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर 4 अगस्त 2022 तक उपलब्ध रहेगा। इस दौरान अगर आपके एडमिट कार्ड में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो आप इस समय सीमा के अंदर सही करवा सकते हैं।
सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर वाली टी शर्ट पर विवाद हुआ शुरू। बिहार के बेटे और बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक बार फिर से लोगों का गुस्सा फूटा है। हालांकि यह गुस्सा सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़ा नहीं है बल्कि एक विज्ञापन से जुड़ा है। दरअसल ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट पर बिकने के लिए एक टी शर्ट पर सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर छपी हुई थी जिस पर लिखा है डिप्रेशन डूबने जैसा है। इस टी शर्ट पर जब सुशांत के प्रशंसकों की नजर गई तो फ्लिपकार्ट पर उनका गुस्सा फूटा। इसके बाद सोशल मीडिया पर बायकॉट फ्लिपकार्ट ट्रेंड होना शुरू हो गया। नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाने को लेकर परिवहन विभाग सख्त। अगर नाबालिग गियर वाले वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके अभिभावकों से इसका जुर्माना देना होगा। मालूम हो कि नियमों के मुताबिक 16 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह की गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है। वहीं 16 से 18 साल तक के बच्चों को बिना गियर वाले वाहन चलाने की अनुमति है। इसको लेकर परिवहन विभाग भी सख्त हो गया है। परिवहन विभाग ने चलंत दस्ता सिपाही को नाबालिग वाहन चालकों को पकड़ने के लिए जिलों में तैनात किया गया है। अगस्त महीने से सभी जिलों में गाड़ी चलाने वाले बच्चों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग वाहन चालकों पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही अभिभावकों को 25,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। बिहार बोर्ड ने इंटर में एडमिशन की बढ़ाई तिथि। बिहार बोर्ड ने इंटर नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2022 तक बढ़ा दी है। आपके जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले यह अंतिम तिथि 27 जुलाई 2022 तक निर्धारित थी। बोर्ड ने इच्छुक छात्रों को राहत देते हुए इसे बढ़ाकर 30 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि निर्धारित की है। आपके जानकारी के लिए आपको बता दें कि छात्र 31 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन बोर्ड की साइट www.ofssbihar.in पर किया जा रहा है। यह खास मौका बोर्ड की ओर से CBSE, CISSE और अन्य राज्य बोर्ड के छात्रों को दिया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे की 50 लोकल ट्रेनों में लगाए जाएंगे LED टीवी। रेलवे रेल यात्रियों की सुविधा में आए दिन कुछ न कुछ अपडेट करता है। इसी कड़ी में रेलवे ने लोकल ट्रेनों में LED टीवी लगाने की योजना बना रही है। जी हां, लोकल ट्रेनों में लंबी सफर करने वाले यात्री भी अब बोर नहीं होंगे क्योंकि रेलवे उनके लिए मनोरंजन के साथ साथ देश प्रदेश की सूचना प्राप्त करने के लिए नई सुविधा शुरू की है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो हावड़ा के DRM मनीष जैन ने हावड़ा स्टेशन के पुराने परिसर में प्लेटफॉर्म नंबर 8 से LED टीवी से सजी ऐसी पहली ट्रेन का उद्घाटन किया है। DRM मनीष जैन ने कहा कि ट्रेन के हर कोच के एक रैक में 4-4 LED टीवी लगाए गए हैं। ट्रेनों में लगी टीवी पर केवल अच्छे कार्यक्रम दिखाए जाएंगे। इस तरह पूर्वोत्तर रेल की 50 लोकल ट्रेनों में कुल 2,400 LED टीवी लगवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट मुंबई और मैसूर में शुरू हो चुका है। इस दिन होगा बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा 2022। पॉलिटेक्निक परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना है। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा 2022 के लिए आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा की नई तिथि घोषित कर दी गई है। बिहार DCECE 2022 के लिए लिखित परीक्षा 30 व 31 जुलाई को ली जाएगी। इस परीक्षा के उम्मीदवार का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। वहीं इस परीक्षा को देखते हुए वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित स्नातक पार्ट 2 सत्र 2019-22 की एक दिन की परीक्षा कैंसिल हो सकती है। बिहार के जेलों में क्षमता से अधिक कैदी को अन्य जेलों में किया जाएगा ट्रांसफर। बिहार के जेलों में इतने अपराधी हो चुके हैं कि जेलें भर चुकी हैं। बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह विभाग चैतन्य प्रसाद बीते दिन सुपौल पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले मंडल कारा का निरीक्षण किया। अपर सचिव यहां जेल की व्यवस्था से संतुष्ट दिखे। साथ ही अपने सुपौल दौरे के दौरान उन्होंने बिहार के अधिकांश जेलों में क्षमता से अधिक कैदी रहने पर चिंता जाहिर की है। साथ ही उन्होंने सुपौल दौरे के दौरान उन्होंने बिहार के अधिकांश जेलों में क्षमता से अधिक कैदी रहने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जहां जहां क्षमता से अधिक कैदी हैं वहां से अन्य जेलों में ट्रांसफर करने पर विचार किया जा रहा है। वहीं उन्होंने मंडल कारा में कैदियों की अधिक संख्या के कारण बैरक निर्माण कार्य कराने की भी बात कही है।
बिहार के इन जिलों में बारिश के आसार। बिहार में रूठे मॉनसून में एक बार फिर से सक्रियता देखने को मिल रही है। बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में दिन भर बारिश को लेकर अलर्ट जारी होता रहा। कई इलाकों में तो तेज बारिश भी दर्ज की गई है। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी होता रहा। इधर मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश में अगले 24 घंटे में बारिश होने की संभावनाएं हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश के ज्यादातर जिले ऐसे हैं जहां पर धान की फसल बारिश की कमी की वजह से प्रभावित हो रही है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले 10 दिनों में अगर बारिश नहीं होती है तो फसलों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही विभाग ने यह भी बताया है कि गुरुवार के प्रदेश के सभी जिलों में 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। विश्वविद्यालयों के सभी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों के लिए अहम सूचना। बिहार के विश्वविद्यालयों के सभी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों के लिए अहम सूचना है। शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारियों के द्वारा आवेदन अपलोड करने की अंतिम तारीख को 11 अगस्त 2022 तक बढ़ा दिया गया है। विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेज के शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारी state.bihar.gov.in या education.bihar या citizenhome.html पोर्टल पर व्यक्तिगत और कर्मचारी विवरण अपडेट करते हुए 11 अगस्त 2022 तक निश्चित रूप से अपलोड करें। जानकारी के लिए आपको बता दें कि एंड टू एंड सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से विश्वविद्यालय के शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन का सत्यापन होगा। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी ने निर्देश जारी किया है। बोधगया के मुचलिंडा झील में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। महाबोधि मंदिर के दाईं ओर स्थित बोधगया में सुंदर मुचलिंडा झील है। यह कमल तालाब के रूप में भी जाना जाता है। झील हरे भरे हरियाली और शांतिपूर्ण वातावरण से घिरी हुई है। इसके फन से सुरक्षित सर्प कुंडली पर विराजमान भगवान बुद्ध की ध्यान करने वाली सुंदर प्रतिमा यहाँ का प्रमुख आकर्षण है, जिसे केंद्र में रखा गया है। तालाब का पानी पवित्र और इसमें हजारों मछलियाँ हैं जिन्हें आप मुरमुरे के साथ खिला सकते हैं। दरअसल इस झील से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। जब भगवान बुद्ध अपने छठे सप्ताह के ध्यान के दौरान झील के पास ध्यान कर रहे थे, तभी एक तेज तूफान आया जिसके कारण लहरें उन्हें कोसने लगी। बुद्ध की बेचैनी को भांपते हुए नागराजा मुचलिंडा ने बुद्ध को तूफान से बचाने का फैसला किया था। 15 अगस्त से पहले राजधानी में होगा स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू। राजधानी पटना को बेहतर बनाने की कोशिश में पटना नगर निगम ने बिहार के हर गली को रोशन करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि पटना नगर निगम अब शहर की गलियों में 10,000 स्ट्रीट लाइट लगाने जा रही है। यह प्रक्रिया 15 अगस्त से पहले शुरू की जानी है। लाइट लगाने का काम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। नगर निगम जल्द ही 5 करोड़ रुपए की बकाया राशि जारी कर देगा, जिसके बाद स्ट्रीट लाइट लगाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा सकेगा। इसके साथ ही नगर निगम द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर दिया जा रहा है। अगर स्ट्रीट लाइट काम नहीं करे तो आप 1553 04 या 926444-7449 और 1800-180-3580 नंबर पर फोन कर शिकायत कर सकते हैं। आमिर खान संग अक्षय सिंह का डांस सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान संग भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वो आमिर खान के साथ उनके गाने चांद सिफारिश पर डांस करते हुए नजर आ रही हैं। इस गाने में दोनों के कपल डांस को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। साथ ही खबर यह भी है कि अक्षरा सिंह ने आमिर खान से मुलाकात के दौरान उनका एक इंटरव्यू भी किया है, जो जल्द ही एक बड़े से चैनल पर प्रसारित होने वाली है। बिहार के इस स्टेशन को बनाया जाएगा टॉप क्लास। बिहार का दरभंगा स्टेशन टॉप क्लास बनाया जाएगा। दरअसल देश भर में व्यवहार्यता अध्ययनों के आधार पर रेलवे स्टेशनों को विकसित करने की योजना बनाई गई है। इस अध्ययन में बिहार का दरभंगा स्टेशन भी शामिल है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते दिन लोकसभा में गोपाल जी ठाकुर के एक प्रश्न के लिखित आंतर में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी है। रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन किया जाता है। इन व्यवहार्यता अध्ययनों के निष्कर्ष के आधार पर स्टेशनों को विकसित करने हेतु कार्य एवं चरणों में शुरू किया जाने की योजना बनाई गई है। उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल इसे पूरा किए जाने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
शराब से जुड़े मामलों की सुनवाई में आएगी तेजी। बिहार में शराबबंदी से जुड़े मामले का निष्पादन अब तेजी से होगा। मालूम हो कि शराबबंदी साल 2016 से लागू है, लेकिन अभी भी शराबबंदी से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं। वहीं इससे जुड़ी कार्रवाई भी आए दिन होती रहती है। ऐसे में इससे संबंधित कई मामले पेंडिंग में है। इन्हीं मामलों के निष्पादन हेतु बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अंतर्गत अनन्य विशेष उत्पाद न्यायालय ने पीठासीन पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। 35 जिलों में नई विशेष अदालतों का गठन किया गया है, जिसमें 55 अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब तक कुल 2.8 लाख मामले बिहार के निचली अदालतों में लंबित हैं, वहीं हजारों की संख्या में जमानत याचिकाएं उच्च न्यायालय में लंबित हैं। लालू यादव की बेटी को जमीन गिफ्ट करने वाले रेल कर्मी गिरफ्तार। भोला यादव के बाद अब सीबीआई ने हृदयानंद चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया है। भोला यादव की तरह इनके खिलाफ भी रेलवे नौकरी घोटाला मामले में सीबीआई ने कार्रवाई की है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि गोपालगंज जिले के उचका गांव थाना क्षेत्र के इटवा गांव निवासी रेल कर्मी हृदयानंद चौधरी ने राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी हेमा यादव को अपनी भावनात्मक बहन बताकर उन्हें जमीन गिफ्ट की थी। इस मामले में मई 2022 को सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम को पूछताछ के दौरान हृदयानंद चौधरी के बड़े भाई ने बताया था, जिसके बाद छापेमारी की गई, जहां से कई कागजात और पासबुक भी जब्त किए गए थे। भोला यादव की गिरफ्तारी पर पक्ष विपक्ष की बयानबाजी शुरू। राजद सुप्रीमो लालू यादव के करीबी पूर्व राजद विधायक भोला यादव के ऊपर सीबीआई ने शिकंजा कसते हुए बीते दिन अहले सुबह उनके आवास पर छापेमारी की, साथ ही पटना में उनकी गिरफ्तारी की गई। वहीं भोला यादव की गिरफ्तारी के बाद सियासी हलचल भी शुरू हो गई है। भोला यादव की गिरफ्तारी पर एक और जहां राजद ने सीबीआई का दुरुपयोग बताया है, वहीं जेडीयू और बीजेपी ने इसे कानूनी प्रक्रिया कहा है। बीजेपी नेता और मंत्री नितिन नवीन ने तो यहां तक कहा कि ये सब आरजेडी नेताओं के कुकर्मों का नतीजा है, जबकि आरजेडी इसे सिर्फ और सिर्फ बदले की कार्रवाई कह रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भोला यादव को आईआरसीटीसी स्कैम के मामले में यह कार्रवाई की गई है। जीतन राम मांझी ने की पीएम मोदी की सराहना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने बेबाक बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इस बीच उन्होंने एक बार फिर से ऐसा ही कुछ लिखा है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ का जोरदार विरोध किया जा रहा है। संसद में भी मुद्दे को उठाया जा रहा है। इस बीच बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ईडी की कार्रवाई से गदगद हैं। उन्होंने इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी की सराहना भी की है। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस बयान पर जोरदार पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईडी ने देश में आतंक मचा रखा है। राजस्थान के सीएम के बयान को ट्वीट करते हुए मांझी ने लिखा है कि भ्रष्टाचारियों में भय और आतंक हो, इसी काम के लिए तो देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को चुना है। मांझी ने इसके साथ जय हिंद भी लिखा है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सर विलियम जेम्स हर्शिल द्वारा पहचान के लिए 1858 में पहली बार फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया गया। चंद्रमा की तरफ 1964 में रेंजर 7 का प्रक्षेपण, 4308 तस्वीरें भेजी। निर्गुट देशों की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत के विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी तेहरान 2008 को रवाना हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल रामेश्वर ठाकुर का जन्म 1927 को हुआ था। भारतीय कलाकार, चित्रकार और उद्यमी सुविज्ञ शर्मा का जन्म 1983 को हुआ था। भारत के सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका महाश्वेता देवी का निधन 28 जुलाई 2016 को हुआ था। और आज ही के दिन विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वन महोत्सव दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। आईसीसी मेंस रैंकिंग में भारत के ऊपर पाकिस्तान का दबदबा। आईसीसी के इस ताजा रैंकिंग में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान और बल्लेबाज बाबर आजम को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी का इनाम मिला है, जिनमें उनके द्वारा खेली गए शतकीय पारी की वजह से पहले बल्लेबाज बन गए हैं। वह आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में तीसरे नंबर पर काबिज हैं। वहीं नंबर वन की बात करें तो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट टॉप पर बने हुए हैं। टॉप पांच पर ऋषभ पंत हैं। वहीं रोहित शर्मा इस लिस्ट में 9वें स्थान पर हैं। वहीं गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाजी में भी पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी भारत के जसप्रीत बुमराह से आगे निकल गए हैं। शाहीन अफरीदी बुमराह से आगे निकलकर नंबर 3, वहीं बुमराह 4 पर पहुंच गए हैं।
360 डिग्री में देख सकेंगे गूगल मैप्स। गूगल मैप की सहायता से लोग जहां कभी नहीं गए वहां भी बिना किसी इंसान की सहायता से पहुंच रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि गूगल मैप्स का स्ट्रीट व्यू 2016 में ग्लोबली लॉन्च हुआ था और अब 6 साल बाद इसे भारत समेत कई देशों में जारी किया गया है। भारत में स्ट्रीट व्यू मैप्स के लिए गूगल ने जीनीसिस और टेक महिंद्रा के साथ साझेदारी की है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि गूगल ने एक लंबे इंतजार के बाद गूगल स्ट्रीट व्यू फीचर को गूगल मैप्स के लिए लॉन्च कर दिया है। गूगल स्ट्रीट व्यू की मदद से यूजर्स गूगल मैप्स में पैनोरमिक या आसान शब्दों में कहें तो 360 डिग्री मैप्स देख सकेंगे। बिहार में मिले कोविड-19 के 300 से भी कम मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 264 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1572 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 26, अरवल में 1, औरंगाबाद में 2, बांका में 9, बेगूसराय में 3, भागलपुर में 14, भोजपुर में 2, दरभंगा में 3, पूर्वी चंपारण में 2, गया में 10, गोपालगंज में 3, जमुई में 1, जहानाबाद में 5, कैमूर में 1, खगड़िया में 6, किशनगंज में 3, लखीसराय में 1, मधेपुरा में 1, मधुबनी में 17, मुंगेर में 3, मुजफ्फरपुर में 9, नालंदा में 10, नवादा में 2, पटना में 65, पूर्णिया में 2, रोहतास में 2, सहरसा में 25, समस्तीपुर में 4, सारण में 6, सिवान में 2, सुपौल में 13 और वैशाली में 5 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 2 ऐसे मरीजों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 127,650 सैंपल की जांच की गई है। इस दौरान 435 मरीज ठीक होकर घर वापस गए हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है श्वेता राय, प्रदीप, मोनू कुमार, गौतम कुमार, सिद्धार्थ कुमार, अतीक खान, रामनम्मी मांझी, बाबूलाल मरांडी, मृत्युंजय कुमार, शुभमंगल कुमार सिंह, राजकुमार प्रसाद और कविता कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार बिहार की वह कौन सी शख्सियत है जिन्होंने बिहार का मान देश दुनिया में बढ़ाया है। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।